हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना थाली पीठ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साबूदाना थाली पीठ बनाने की सामग्री है, एक कप साबूदाना है जिसे हमने पूरी रात भिगो कर लिया है। साबूदाना अच्छे से फूल गया है। दो बड़ा आलू ग्रेट किया हुआ बॉयल आलू है, आधा कप सिंघाड़े का आटा, दो चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, दो बड़ा चम्मच घी। बड़े बॉल में हमने साबूदाना डाल दिया है, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, ग्रेट किया हुआ आलू, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, सेंधा नमक, अदरक का पेस्ट, सिंघाड़े का आटा। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो हमारा बनकर तैयार है। अब हम चकला लेंगे। चकले के ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर को हम घी से ग्रीस करेंगे। मिश्रण रखेंगे। हाथों से फैलाते हुए बड़ी रोटी की तरह पतला बनाएंगे। इस तरह से फैलाएंगे। आप बटर पेपर या प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चकले में बहुत चिपक जाता है, तो आप इसी तरह से बनाइए। जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम बनाएंगे और तवे पर सेकेंगे। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा घी लगाएंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे और हम थाली पीठ को तवे पर डाल देंगे इस तरह से। और बटर पेपर को हम हटा लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने आपको बताया है उसी तरह से आप तवे पर डालिए, नहीं तो आपके थाली पीठ टूट सकते हैं। थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से हमने अच्छे से सेक लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे सेक कर तैयार करेंगे। गर्मा गर्म साबूदाना थाली पीठ बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, दही या व्रत वाली चटनी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।